किसी ने कमेंट में पूछा था कि आप लड्डू गोपाल को भोग में क्या लगाते हैं, तो देखिए मैंने लड्डू गोपाल का अलग से आटा लगा दिया है और मैंने मंगाई है मिठाई। ये मैंने तवा धो दिया है, चौका धो दिया है, बेलन धो दिया है। अब हम इसमें बनाएंगे पूड़ियाँ। ये मिठाई बर्फ़ी है, खोए की बर्फ़ी है, और जो है डिनर में मैं उनको खोए की पूड़ियाँ खिलाने वाली हूँ। तो अभी मैं बनाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी पूड़ियाँ बनाती हूँ। छोटे छोटे पूड़ियाँ मैं लड्डू गोपाल के लिए बनाने वाली हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा, देखिए मैंने तवा साफ़ कर लिया और आटा साफ़ सुथरे डोंगे में लगा लिया। तो ये छोटी सी पूड़ियाँ जो है मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए। पापा से पूछना है। एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो शेयर किया है, ब्लॉग शेयर किया है, तो मैंने पूरा रूटीन बताया था, क्योंकि काम की वजह से ना मैंने कोई भी अच्छा लंच नहीं बनाया था। तो अब मैंने बोला था कि रात को डिनर अच्छा बनाऊंगी, तो मैंने बनाया है छोले, चावल, पूड़ियाँ, मीठी पूड़ियाँ बनाई है लड्डू गोपाल के लिए प्लस बच्चों के लिए। तो ये देखिए पूड़िया भी बन गया है, चावल इधर बन गया है, चावल गर्मा गर्म चावल, और यहाँ पे है छोले। तो छोले चावल पूड़िया बन गया है, और मैं सोच रही थी कि मैं वेट करूंगी हस्बैंड का, खाना पूरा बन गया है। और अच्छा हुआ कि मेरी उनसे बात हो गई अभी कॉल पे, और वो चले गए हैं किसी जरूरी काम से, और वो आएंगे रात को 11:30 बजे या 12 बज जाएगा। टाइमिंग दिखाऊं, 8 बज रहा है और हमारे लड्डू गोपाल का भोग लग गया है। एक्चुअली मैं भोग की वीडियो जल्दी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आप लड्डू गोपाल के भोग में क्या लगाते हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल का डिनर, दूध, मिठाई और मीठी पूड़ियाँ, पानी। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल का आज का डिनर, क्योंकि वो भी हो सकता है लड्डू गोपाल का कोई भक्ति हो, तो इसलिए मैंने बता दिया। वैसे मैं नहीं बताती हूँ, मैंने इससे पहले जो वीडियो शेयर करी है उसमें भी मैंने मेंशन कर दिया है कि मैं अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें खिलाती हूँ, कभी सेवई, कभी खीर। और हमारे लड्डू गोपाल को मक्खन बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल को मक्खन का भोग लगा देती हूँ। और हमारे लड्डू गोपाल को हम 4 टाइम का जो है भोग बनाते हैं, तो चारों टाइमिंग अलग अलग भोग बनता है। लंच अलग बनता है, डिनर अलग बनता है, और सुबह का नाश्ता चाय नाश्ता बिस्किट, और शाम का चाय नाश्ता बिस्किट, जो भी नाश्ते में होता है वो हम लड्डू गोपाल को खिलाते हैं। तो अब मैं कोई भी वीडियो इसके बाद अगर मैं कोई ब्लॉग शेयर करूँगी तो उसमें ये पार्ट मैं ना इंक्लूड कर दूँगी, क्योंकि अभी मेरे कोई और वीडियो जाने वाले हैं, तो ये वीडियो 1-2 दिन के बाद जाएगा। तो अभी मैं भोग लगा दिया, पूजा पाठ कर दिया है, और बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं आपस में पढ़ाई लिखाई। ये देखो ड्राइंग, हाँ ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे, ताकि मैं सीख जाऊँ। तो बड़ी बहन अपने छोटे भाई को ड्राइंग सिखा रही है, और मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं, सुखा दिए हैं, और अब बच्चों ने दोपहर में बिल्कुल अच्छा, जो जो बच्चे ब्लॉक्स फूड्स खेलते हैं वो उन बच्चों को ये चीज तो पता ही होगी क्या है। तो आज मैंने इसका बाल कटिंग करवा दिया है, क्योंकि नवरात्रि जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाल वगैरह कटिंग नहीं हो पाएगा,
तो साथ के साथ मैं अपना काम भी करते जा रही हूँ, भोग वगैरह सब 8-9 बजे से पहले देखो सब कुछ मेरा निपट ही जाता है। और हस्बैंड का वेट करना नहीं है डिनर के लिए, तो हम तीनों जा रहे हैं डिनर करने। और उसके बाद मिलती हूँ छोले चावल पूड़ियाँ, यही सब है डिनर में आज। तो क्योंकि दोपहर में बच्चों ने अर्जेस्ट किया था मेरी तबीयत को लेके, अभी भी मेरी तबीयत देख रहे हो मेरी हालत वैसी ही है, लेकिन मेरे को इसका बाल कटाने जाना था तो इसलिए मैंने अपना थोड़ा बहुत थोबड़ा सही करा था और गई थी मैं। लेकिन मैं क्या हूँ कि वीडियो बनाना भूल जाती हूँ, थोड़ी बहुत सूट कर लिया था तो बहुत मुश्किल से मैं कपड़े चेंज किया, रेडी हुई और मैं जा पाई हूँ। तो मैं गई हूँ इसका फटाफट बाल कटा पाई हूँ। और फिर अभी आके जब से मैं कपड़े धोने में कुछ ना कुछ चीज़ों में मैं ना लगी पड़ी हूँ काम, अभी फिर आई हूँ, फिर बर्तन धोए हैं, फिर भोग लग बनाया है, फिर भोग चढ़ाया, फिर हमने चाय नाश्ता पिया है, फिर रात के डिनर का टाइमिंग हो जाता है, फिर उसके बाद कपड़े धोए हैं। और कपड़े देखो आधे मैंने दरवाजे पे डाले हैं, आधा मैंने बालकनी पे डाले हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और खासकर जिस दिन साफ सफाई करनी होती है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ और शरीर पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो चलो पेन किलर लेकर आई हूँ, दवाई लेकर आई हूँ, एक खुराक खाऊंगी, 2 दिन दवाई करूंगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा सा दवाई से कुछ तो रिलीफ मिले। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर अब जब मैं ब्लॉग शूट करूंगी तब। चलो बाय, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो गाइस कैसे हो आप सभी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं रेडी सेडी हूँ तो थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और आज मैंने बनाया है कढ़ाई पनीर, नहीं सॉरी चिली पनीर, कढ़ाई पनीर नहीं, यहाँ पे मैंने बनाया है चिली पनीर। और आटा मैंने लगा के रख दिया है और अभी मैं बनाऊंगी रोटियाँ। और मैं और बेटी नाश्ता कर चुके हैं, तो थोड़ा सा नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। और वो देखो मैंने उसको पैसा दिया था ना सामान लाने के लिए, वो भूल गई है। लो आ गए स्कूल से दोनों। हेलो दीदी, कहाँ हैं? एग्जैक्ट टाइम पे पैसा दिया था तो तुमको लेना। देखो उसकी शक्ल देखो, तो वो दूध पसंद है ना, शक्ल देखो उसकी कैसी हो रखी है पसीने में, कैसा रहा क्लास? तो अभी बहुत सारे बर्तन हो गए हैं जो कि मुझे वॉश करने हैं। इससे पहले मेरी जाएगी ज्वेलरी की वीडियो। और चलो अभी मुझे ये सब ताम झाम ना निकालना, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो ये कुछ मैंने मेकअप किया था ज्वेलरी के लिए, ऐसे दिखाती हूँ, तो ये मैंने कुछ मेकअप किया था ज्वेलरी के लिए। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं मंगाई है, लेकिन मैंने 2 ग्राम की बहुत सारी ज्वेलरी मंगाई है, शेयर भी किया है आप लोगों को, इससे पहले वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो कब जाएगा आई डोंट नो। और आज है सिनेमा डे और यहाँ पे 1 भी सीट मुझे नहीं मिली। मैं पूरे 3-4 दिन से बुक कराने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं बुक हुआ है एक भी, क्योंकि आज सिनेमा डे है और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। एक भी मतलब सिंगल सीट जिसको बोलते हैं ना, वो तक नहीं मिला है। तो चलो अभी गर्मी में मैं मरी जा रही हूँ, चेंज करती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो देखो जी, मैंने तो सोचा था कि अगर आप लोगों ने मेरे ज्वेलरी वाली वीडियो में बहुत सारा प्यार देंगे ना, तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आने वाली हूँ, लेकिन मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे उम्मीद था कि मुझे इस वीडियो पे तो आप लोग सपोर्ट करोगे। तो किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था तो मैं वही वीडियो बना रही हूँ फिलहाल। इसके बाद मैं ब्लॉग थोड़ा कम करने वाली हूँ और मेरे पास वीडियो था तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस, पनीर राइस बिना प्याज बिना लहसुन का, और मैंने बनाया है चिली पनीर वो भी बिना प्याज और बिना लहसुन का। तो आज जो है ना डिनर बहुत स्पेशल बन रहा है। वैसे मैं ये वीडियो शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे पूछा था कि आप लड्डू गोपाल को भोग में क्या क्या खिलाते हो, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आज का जो डिनर बन रहा है सब स्पेशल है और बिना प्याज बिना लहसुन का खाना बन रहा है। तो ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, लेकिन मैं ट्रस्ट में गाइस इतना टेस्टी बना था ना ये फ्राइड राइस, और बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बना था, और साथ में चिली पनीर भी बहुत टेस्टी बना था। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि हस्बैंड ने और मतलब अपने लिए खाने के लिए क्या मंगाया। ये देखो दोनों बाप बेटे, शाही पनीर, दाल मखनी, रायता एंड वो जो मक्के की रोटी होती है ना वो ऑर्डर करके मंगा के दोनों बाप बेटे खा रहे थे। ये रहा मक्के की रोटी और शाही पनीर, दाल मखनी, रायता, और बेटी भी खाएगी, ऐसा नहीं है कि बस वही खा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अगर ऐसा खाना बन जाता है ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ पे बेटी बना रही फटाफट रोटियाँ, मैं इधर बना रही हूँ फ्राइड राइस,
और साथ में चिली पनीर तो मैंने ऑलरेडी बना ही दिया था। तो ये था कुछ आज का मेरा डिनर, और इससे पहले भी लंच भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो अब जो है ना, ये मैं तीसरे दिन फिर से सफाई कर रही हूँ, और इतना धूल मिट्टी, इतना गंदगी आता है ना। अभी एक दिन पहले ही सिर्फ और सिर्फ कल का गैपिंग किया था मैंने डस्टिंग में, और एक दिन के बाद ये फिर से वही हाल हो गया पूरे घर का। तो अब मैं फिर से पूरे बेड की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कल है नौमी का पहला दिन, और जो है साफ सफाई अगर घर में नहीं करूंगी तो मेरे हस्बैंड, पता ही है ना, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा सुनाएंगे, गालियाँ भी देंगे कि पता नहीं क्या ही करती है। और सोचो कि इतना बिजी शेड्यूल से भी मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, और वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए कितना मुश्किल होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है ये लाइफ भी, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत स्ट्रगल भी है। तो अब यहाँ पे जो है ना, मेरे लड्डू गोपाल का पूरा सिंहासन का सारा, जैसे झूला, उनका सोफ़ा, ये सोफ़ा भी मैंने घर पे बनाया है, अपने लड्डू गोपाल की सारी चीज़ें मैं घर पे बनाई, ये झूला भी मैंने डेकोरेट किया है, मैंने लकड़ी वगैरह सब लगा के बनाया है, मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। तो ये देखो घर पूरा जो है ना चमक उठा। गुड आफ्टरनून, और दोपहर के 1 बजने वाले हैं। मैं अपने घर की आज फिर से पूरी डस्टिंग वगैरह करी है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रह गया था, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को कि मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा मेरी जान खाते हैं साफ़ सफाई को लेके। और आज मेरा तीसरा दिन है जो कि मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। टेबल धो दिया है, मंदिर साफ़ कर दिया है, और मंदिर के बर्तन वगैरह पीतांबरी से, जो तांबे का है तो उसे पीतांबरी से साफ़ कर रही हूँ। घंटी वगैरह, कल नवरात्रि का पहला दिन है तो मैं यहाँ पे जो है ना साफ़ सफाई कर रही हूँ बर्तनों की, क्योंकि कल जो है टाइम नहीं मिलेगा सुबह। और सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह सब मैंने धुल दिया है, घर में झाड़ू पोछा, ये देखिए किचन कैसे चमक रहा है मेरा। और ये सब निशान है पहले के, गोंद वगैरह जो बनते समय गिरते हैं ना, वो सब उन सब के निशान है, वो छूटेगा नहीं। लेकिन देखो मैंने पूरा अपना किचन वगैरह सब चमका दिया है, सारा काम हो गया है। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय 1 कप, सबने चाय नाश्ता कर लिया है, और यहाँ पे मैंने भिंगा के रखे हैं बादाम। तो देखो सारे बर्तन वगैरह जो भी थे सब मैंने धो दिया है, ये घंटी वगैरह कल चाहिए पूजा के लिए सब मैंने मांज दिया है। तो देखो सब चमक गया है, बस ये रह गया है, लोटा रह गया है, ये दो चीज़ें, और एक दिया स्टैंड रह गया है, उसे मैं जो है अभी पानी चला गया है नहाने धोने में। तो देखो सारा मैंने कांच के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, जो भी मतलब ख़राब दिख रहे थे ना, सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके माँज माँज के रख रही हूँ। बाकी घर के सारे काम हो गए हैं, और अब मैं बनाऊँगी लड्डू गोपाल का भोग। और अभी लड्डू गोपाल को ये देखो, ये सब मेरा पूरा बेडरूम की सफाई मैंने फिर से डस्टिंग करी है, और इतना धूल आता है यहाँ पे, इतना धूल आता है कि मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अभी जस्ट बैठाया है लड्डू गोपाल को नहला धुला के, कपड़े पहना के, अभी मैंने पूरी बेड की सफाई करी है पूरी, अभी मैंने वीडियो बनाई है तो पूरे बेड की सफाई करी है, फिर से पूरा डस्टिंग करा है। मतलब कि अगर आज मैं डस्टिंग करूँगी ना, कल आप देखना फिर उतना ही आपको बेड के ऊपर धूल मिट्टी गंदगी इतना यहाँ पे आता है ना कि जी। ये तो अच्छा हुआ कि हमने सीट लगवाई है खुद से, तो ये थोड़ा मतलब क्या बोल के सीट लगवाई है खुद से, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है मैंने, तो ओनर का ही इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने उनसे बोल के ही मैंने पूरे जो है सीट वगैरह लगवाई है। पूरा घर का साफ सफाई हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है ना। ये मैंने टेबल धो दिया है सुबह के लिए, और यहाँ पे सारा मैंने जो है जितना भी हो सकता था उस रूम की, और बेटे का स्टडी टेबल वगैरह सब मतलब मैंने साफ सुथरा कर दिया है। अब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा पोछा मैंने मारा है पूरे घर में, ये देखो ये जो बनते समय का निशान है ना, ये वही निशान है, ये छूटेगा नहीं। ये देखो ये कुछ निशान टाइल्स पे ना उनके ग्लू का रह गया है, जो कि कभी छूटता ही नहीं है, मैं कितना भी पोछा मार लूँ, कितना भी छुड़ा लूँ, ये छूटता नहीं है, ये किसी गोंद का या ऑयल का निशान है। तो बाकी चमका दिया है, यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल के ये कपड़े धुले हैं, एक नाइट सूट जो है धुला है, और अभी नहला धुला के सारा काम देखो मैंने एकदम आपको नीट एंड क्लीन ही दिखेगा, मैंने सब निपटा दिया है। और कल की छुट्टी, क्योंकि अब मैं कुछ भी करने के हालत में नहीं हूँ, मुझे इतना सर्दी जुखाम बुखार हो रहा है ना, और ऐसी हालत में भी मैं सारी चीज़ें
कर रही हूँ, टेबल वगैरह सब धो दिया है, मंदिर साफ कर दिया है, सब ऑल डन कर दिया है। अब बाकी जो भी बचेगा देखेंगे दिवाली तक, थोड़ा थोड़ा कुछ भी नहीं रह गया है। और यहाँ से जितना मेरे से ये झालर निकल सकता था वो भी मैंने निकाला है, बाकी मेरे पास बड़ा डंडा नहीं है निकालने के लिए, तो मैं बाद में निकालूँगी इसको। चलो तो सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको अपना लिविंग रूम, देख लीजिए ये है मेरा लिविंग रूम, पूरा साफ़ सुथरा सब चमका दिया है। और अभी मुझे आटे का डब्बा भी धोना है और आटा फील करना है धो के, तो लोग जितना हो सकता था मैंने कर दिया है, अपने सहूलियत के हिसाब से बहुत कर दिया है।